तुर्की के बाद अब नीदरलैंड ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की धज्जियां इस बार नीदरलैंड की एक कोर्ट ने उड़ा दी। डच कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीदरलैंड सरकार लड़ाकू विमान F-35 के पुर्जे का निर्यात इसराइल को करना बंद कर दे। डच कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिका और इसराइल दोनों को तगड़ा झटका लगा है। डच कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह आदेश दिया है। अपील अदालत ने कहा है कि राज्य के पास आदेश का पालन करने के लिए 7 दिन का वक्त है, क्योंकि इससे यूरोप और दूसरी जगहों पर युद्ध के मानवीय प्रभाव पर चिंता फैल गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निर्यात किए गए F-35 भागों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों में किए जाने का स्पष्ट जोखिम है। वहीं डच सरकार ने कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी, ये तर्क देते हुए कि विदेश नीति निर्धारित करना राज्य पर निर्भर होना चाहिए न कि अदालत पर। डच व्यापार मंत्री जेफरी वेन लियावेन ने कहा कि लड़ाकू विमान इसराइल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, और ये कहना जल्दबाजी होगी कि उनके देश से कल पुर्जों के निर्यात पर प्रतिबंध का इसराइल को होने वाली समग्र आपूर्ति पर कोई ठोस प्रभाव पड़ेगा या नहीं। हम उन देशों के एक बड़े संघ का हिस्सा हैं जो इसराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम साझेदारों से बात करेंगे कि इससे कैसे निपटा जाए। नीदरलैंड में अमेरिका के स्वामित्व वाले F-35 भागों के कई क्षेत्रीय गोदामों में से एक है, और हमास से चल रहे युद्ध में यहीं से इसराइल की मदद भी की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसराइल और हमास के युद्ध में अमेरिका खुलकर इसराइल का समर्थन कर रहा। ऐसे में अमेरिका के साथ कई और देश भी हैं जो इस युद्ध में इसराइल का साथ दे रहे। नीदरलैंड भी उन्हीं देशों में से एक है। वहीं अपील अदालत ने जो आदेश दिया ये इसराइल के साथ साथ अमेरिका और यहां तक की डच सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में अपील को लेकर इजरायली कैबिनेट मंत्री बेनी गेट्स ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उन्होंने डच प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात की और अपील करने के फैसले का स्वागत किया। गेंट्स ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने दोहराया कि अदालत का फैसला आतंक से लड़ने की वैश्विक और इजरायली कोशिश को नुकसान पहुंचाएगा। अब देखना यह है कि डच सरकार आगे क्या कुछ करती है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।